Okay, got it. Go. एक्चुअली एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है क्योंकि आई थिंक बोथ ऑफ देम बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हैं और मैंने रिम का शो देखा है, मैंने उनके बहुत सारी वीडियोज़ देखे हैं, मूवी भी अभी उनकी आई है, उनका ट्रेलर भी देखा है. तो आई थिंक दैट आई थिंक आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड वेरी कम्फर्टेबल वर्किंग विद बोथ ऑफ देम. आयान को मैं जानता हूँ, वो मेरा दोस्त है और मैंने उसके साथ भी पहले फ़ोटोशूट्स की हैं. तो आई थिंक ओवरऑल इट्स अ वेरी कूल एक्सपीरियंस, वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ फन और बहुत ही लाइट और मज़ेदार शूट है. तो आई थिंक हम लोग सबको बहुत मज़ा आ रहा है. इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस, काफ़ी इट्स गोइंग वेरी स्मूद आई कैन से. लाइक इतना हेक्टिक नहीं है. आई थिंक दैट इज़ बिकॉज ऑफ द कम्फर्ट लेवल दैट वी ऑल हैव एंड स्पेशली शूट शुरू होने से पहले हम काफ़ी दफ़ा मिल चुके हैं तो एक अच्छी सी बॉन्डिंग बैठ गई थी. सो इट्स ऑल बिकम वेरी कम्फर्टेबल नाउ. सो आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट एनी प्रोजेक्ट, कि जब एक वो कम्फर्ट लेवल आ जाता है ना तो आपको शूटिंग करने में भी बहुत यू नो सुकून महसूस होता है. आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, कितना एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि आप ये सॉन्ग से डेब्यू कर रहे हैं, कितना एंजॉय कर रहे हैं शूटिंग का? बहुत अच्छा लगा. मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा हमारे डायरेक्टर अमित खन्ना जी को एंड रीम को, जो कि मेरे को बहुत अच्छा सपोर्ट मिला. एंड ऐसा नहीं लगा कि मैं फ़र्स्ट टाइम कोई शूट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं लगा, कोई प्रेशराइज नहीं था. इट वॉज़ लाइक मतलब फन एंड आई वॉज हैविंग फन विद दिस पीपल एंड लाइक कोई भी चीज़ मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कोई शूटिंग कर रहे हैं, नॉर्मल स्टोरी चल रही है, नॉर्मल मतलब डिस्कशन हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा था. Also, अगर अमित के बारे में बात करें, क्या टिप्स दिया था आपको, मतलब कुछ ब्रीफ किया था गाने से पहले या फिर? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं था. लाइक ब्रीफ मीन्स कैसे बोल रहे हो आप, मतलब क्या एक्सप्लेन किया था गाने के बारे में, उस बारे में कुछ बताया, मतलब कुछ टिप्स या फिर कुछ सजेशन? अरे इन दोनों ने ही स्टोरी बनाई है, इन दोनों ने ही स्टोरी बनाई है, स्टोरी किसी राइटर ने लिख के नहीं भेजी थी इन दोनों को. इन दोनों क्या ही दिमाग है ये. ऑल्सो अमित आपसे जानना चाहूंगा, काफी कूल है आप ऑन सेट, मैंने ऐसे कम डायरेक्टर्स को देखा है जो इतने काम रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली मेरा जो भी गुस्सा था वो सुबह मैंने निकाल दिया, मैं आते ही पहले वो खत्म कर देता हूँ ताकि पूरे दिन फिर मैं आराम से शूट कर सकूं. बट आई थिंक कि क्या होता है कि हम लोग ने डिस्कशन की थी जो भी म्यूज़िक वीडियो का, एक्टर्स को पता था वो क्या करने वाले हैं और मुझे ज़रूरत नहीं लग रही है चलाने की, तो इससे मैं नहीं चला रहा हूँ फिलहाल. तो हाँ, दे आर डूइंग अ गुड जॉब, आप देख रहे हैं तो मज़ा आ रहा है हम लोगों को. तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी रीज़न फॉर मी टू स्क्रीम. यार आई एम वेरी हैप्पी. लाइक मैंने जब पहले जब रिलीज़ हो रही थी तभी कहा था कि मैं खुश हूँ कि ये रिलीज़ हो रही है, बिकॉज आई नो मैनी फिल्म्स एंड यू नो मैनी सच मूवीज़ जो बन जाती है पर कई सालों तक रिलीज़ नहीं होती. मेरी वाली को भी वैसे 3 साल लगे थे बट फाइनली रिलीज़ हो गई. एंड आई ऑलवेज न्यू दैट यू नो इट्स नॉट एंटरटेनमेंट, बट आई न्यू कि क्रिटिकली अगर ये मूवी चल जाएगी देन आई वुड बी वेरी हैप्पी एंड विच आई एम हैप्पी अबाउट. आई एम हैप्पी दैट पीपल अप्रिशिएटिंग माई परफॉर्मेंस, पीपल आर लाइकिंग माई परफॉर्मेंस. मेरा काम था एक्टिंग करना, लोगों को मेरी एक्टिंग पसंद आ गई, आई एम सेटिस्फाइड, आई एम हैप्पी. Also, आपने टेलीविजन से शुरुआत की, गाने किए, देन बड़े स्क्रीन पर भी आप आ गए. What is next for it? See, as I always say, I don't look for कि अब मुझे म्यूजिक वीडियो करना है, मुझे टीवी करना है, मुझे मूवी करना है. I've always looked for good characters, कि as an actor मुझे कितना अच्छा किरदार निभाने के लिए क्या character कहाँ कौन से platform पर मिल रहा है. So whereas in movies I got a good character, I did it. I got a good character in music videos, I did it. I look for the scope जहाँ पर मैं अपनी कुछ skills दिखा पाऊँ. तो अब मुझे दूसरा जो भी प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे थोड़ा एक्टिंग दिखाने का मौका और मिलेगा ना, मैं वही करूँगी. नथिंग डिसाइडेड. आयान, आपसे जानना चाहेंगे, ये गाना कब रिलीज होगा, कब ऑडियंस देख पाएगी इस गाने को? मोस्टली इस मंथ के एंड में होना चाहिए, बट हम लोग नेक्स्ट मंथ तक शायद आ जाए.
अभी हमारे ये गाने के बारे में जो भी डायरेक्ट हुआ है ज़्यादातर मुझसे ज़्यादा हमारे डायरेक्टर साहब को पता है, अमित खन्ना साहब को, एंड ही कुड से दैट कि मतलब कब तक बाहर आएगा। मुझे लगता है ये गाना हम लोग मार्च फर्स्ट वीक में रिलीज़ करेंगे और अच्छे से करेंगे और आपको हम लोग फिर से वहाँ मिलेंगे जब भी हम लोग रिलीज़ करेंगे गाने को, बट आई थिंक बाय द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च वी शुड लुक एट रिलीजिंग दिस सॉन्ग। Okay, so this question is something that okay, so firstly I don't really believe in Valentine's Day because mera aisa manna hai, please meri baat se influence mat hona, nahi to aapki girlfriend aapko maar degi. I believe that why does anyone need a specific day to celebrate love or to go and tell someone that you know what I love you, I like you. तो पहली बार तो मैं वैलेंटाइंस डे में इतना मानती नहीं हूँ, बट या इट्स अ क्यूट डे, एंड इस बार का वैलेंटाइंस डे मुझे सिर्फ पता इसलिए आ रहा है बिकॉज मेरा दूसरा गाना जो है वो रिलीज़ होने वाला है वैलेंटाइंस डे पे, सो या प्लीज़ टू वॉच दैट। एंड अगर आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जितने भी है, यू शुड गो एंड प्लीज़ पैम्पर योर गर्लफ्रेंड्स गाइज, इट्स देयर डे। मैं ऐसी नहीं हूँ तो क्या हुआ, ज़रूरी नहीं है कि दूसरी लड़कियाँ भी मेरी जैसी हो, मैं थोड़ी अलग हूँ। थैंक यू सो मच। उन लोग दोनों का ले लो मैं। ओके सर। थैंक यू।